हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त प्रभा आज लेके आई हूँ एक इजी और हेल्दी मिल्क शेक रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है दो अखरोट, चार खजूर लिया है, इसका मैंने बीज निकाल के इसको धुल दिया है। दो चम्मच मैंने डाल दिया है दूध और दो चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें शुगर। मीठा अपने हिसाब से आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, शुगर की जगह आप हनी यूज कर सकते हैं और खजूर भी मीठा होता है। इसका हम बना लेंगे फाइन पेस्ट। इसका ऐसे मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है, अगर आप पूरा दूध साथ में डाल के तब पेस्ट बनाएंगे तो ये पिस नहीं पाएगा और इसके जो पीसेज हैं वो रह जाएंगे इसमें। तो थोड़ा दूध डाल के इसका पहले से पेस्ट बना लें। अब ये पेस्ट जो है इसको मैं बड़े जार में ट्रांसफर कर लूंगी। पेस्ट बनाने के लिए मैंने छोटा जार इसलिए यूज किया था क्योंकि इतने बड़े जार में इतना छोटा सा पेस्ट नहीं बन पाता। इसमें मैं डाल रही हूँ एक गिलास दूध, एकदम चिल्ड मिल्क है। 1/4 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। अब इसे एक बार और चला देते हैं। हेल्दी शेक बनके तैयार है, ग्लास में पोर करते हैं। इसके ऊपर की जो झाग है इसको हम ऐसे लगा देंगे। ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और इसकी ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर सकते हैं। मैं इस पे डाल दे रही हूँ बादाम। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।